गाइस सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, इंग्लिश में राइटिंग स्किल वाले सेक्शन में एक फिक्स पैटर्न पर राइटिंग स्किल आती हैं जिन्हें पैटर्न वाइज राइटिंग स्किल कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं नोटिस, मैसेज, ईमेल्स, पोस्टकार्ड या फिर डायरी एंट्री। ये एक फिक्स पैटर्न पर लिखी जाती हैं, इसलिए इन्हें पैटर्न वाइज राइटिंग स्किल कहते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि इनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। यदि आप इसके फॉर्मेट को गलत लिखते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। यदि आपका फॉर्मेट सही है तो आपके मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, भले ही आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। आज हम इस सेक्शन में बात कर रहे हैं कि नोटिसेस कैसे लिखी जाती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज राइटिंग स्किल के सेक्शन में हम सीख रहे हैं कि नोटिसेस कैसे लिखी जाती हैं, क्या सही फॉर्मेट है नोटिस लिखने का। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं नोटिस का सही फॉर्मेट। ये है क्वेश्चन, यू आर आशुतोष आचार्य द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे बताया गया है कि आप आशुतोष आचार्य हैं, अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर कल्चरल सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस लिखे जाते हैं। आगे लिखा है, ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल। एक नोटिस लिखना है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन देना है कि आपके स्कूल से दो पार्टिसिपेंट्स चुने जाने हैं, टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। दो पार्टिसिपेंट आपके स्कूल से इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में चुने जाने हैं। अब ये दो, ये क्वेश्चन है, दो अर्थ दे रहा है। या तो नोटिस ये लिखना है कि दो पार्टिसिपेंट्स आपके स्कूल से चुने जाने हैं, उसके लिए अंडरसाइन फॉर्म मंगाने हैं, या फिर ये दे रहा है, ये सूचना, ये इन्फॉर्म भी दे रहा है कि दो पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट किए जा चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट। इस बात पर गौर कीजिए कि इस बात से पता चल रहा है कि या तो सिलेक्शन हो चुका है या फिर सिलेक्ट किए जाने हैं, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो दोनों मैटर पर ही लिखा जा सकता है, आपके समझने पर डिपेंड करता है। किसी भी एंगल से लिखेंगे तो सही निकलेगा। या तो आप नोटिस में ये बता दीजिए कि आशुतोष आचार्य की तरफ से कि ये सभी को इन्फॉर्म किया जाता है, इंटर स्कूल के डिबेट कंपटीशन होने वाली है, तो केवल इंटर स्कूल के स्टूडेंट मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट को ही, 11th 12th वाले स्टूडेंट को ही पता होनी चाहिए ये वाली बात, ये सूचना उन्हीं तक जाएगी। तो स्टार्टिंग भी ऐसी की जाएगी कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंटर आर इन्फॉर्म्ड, या ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 12th आर इन्फॉर्म्ड, इस तरह से लिखा जाएगा। और ये बता दो यहाँ पर सीधा जाके कि आपके हमारे स्कूल से दो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, उनके नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका, बहुत कम लिखना पड़ेगा। और जो बेटर जो तरीका होगा मेरे ख्याल से, तो दो पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए जाने हैं इसलिए यहाँ पर नोटिस लिखा जा रहा है। तो मैं दूसरे तरीके से सेकंड वाले तरीके को बेटर समझ रहा हूँ, वो मानकर मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले से ही एक बॉर्डर लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पर इतना मार्जिन है और यहाँ पर इतना मार्जिन है, और इसको भी आप पहले से खींच सकते हैं। आपको स्केल की सहायता से खींचेंगे तो बेटर लाइन खींचेगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड और उस साइड पेज के दोनों साइड में मार्जिन रखेंगे, बीचों बीच में नोटिस लिखा जाता है, बिल्कुल सेंटर में लिखा जाता है। तो ये आपकी ये लास्ट लाइन को हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं, स्कूल का नाम देखना है, यहाँ पर दिया है तो लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो अपने मन से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है, JS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए, हायर सेकेंडरी स्कूल इसलिए लिखा है कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाली है, तो जाहिर सी बात है हमारा स्कूल इंटर स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर उसकी सिटी का नाम भी डाल सकते हैं,
जो दिया है वही लिखना है, अगर नाम दिया है तो शेड्डी का नाम दिया है वही लिखना है, नहीं दिया है तो कोई अपने मन से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इसकी हेडलाइन क्या बन सकती है, टाइटल क्या बन सकता है, इसका टाइटल बन सकता है सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट, ये टाइटल बन सकता है, या फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ये टाइटल बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइटल सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स। तो इस हेडलाइन को देखकर सारे लोग अपने आप देखने आ जाएंगे कि सिलेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्शन के लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे नोटिस, आप चाहें तो बीच में भी नोटिस लिख सकते हैं, और ये टाइटल है लास्ट में लिखा जा सकता है, बीच में नोटिस लिखा जा सकता है। यहाँ पर डेट डालेंगे, March 26, 2020, और यहाँ से लिखना चालू किया जाएगा ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड। हर लाइन में लगभग ये तो लिखा ही जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर, और कौन से क्लास के हैं, केवल इंटर के लिए है इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे, जाहिर सी बात है सिलेक्शन किया जाना है तो एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कहीं हो रहा है, मतलब आपके स्कूल में नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, आपके स्कूल से दो स्टूडेंट चुने जाने हैं, इसका मतलब कहीं बाहर हो रहा है और भी स्कूल से चुने जाने हैं, इसका मतलब है आप किसी दूसरे स्कूल का नाम लिखेंगे, दैट एन, पहले सूचना प्रोवाइड करें, एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज टू बी हेल्ड इन मॉडर्न हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, यहाँ पर होने वाला है। अब हमने बात बता दी कि एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होना है, मेन बात है कि दो स्टूडेंट हमारे स्कूल से चुने जाने हैं, टू स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अवर स्कूल, हमारे स्कूल से दो स्टूडेंट चुने जाने हैं। तो ये बात हमने पूरी लिख दी, जो कि जो मेन इन्फॉर्मेशन था हमने बता दिया कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और दो स्टूडेंट हमारे स्कूल से चुने जाने हैं, क्योंकि हम डेट वगैरह नीचे भी लिखेंगे इसलिए हमने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है। अब यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में हम अपील करेंगे इंटरेस्टेड या विलिंग लिखा जा सकता है, इंटरेस्टेड या विलिंग, इसका मतलब होता है इच्छुक, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे सबमिट देयर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म्स बिफोर 2 days ऑफ द डेट।
मतलब हो गया इंटरेस्टेड इच्छुक छात्र अपने फॉर्म्स डेट के दो दिन पहले भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट डालेंगे, ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कब हो रहा है। तो ये जो डेट हमने लिखी है, आज जो नोटिस लिखने की डेट है, उससे लगभग 10-15 दिन बाद की डेट लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी सूचना पहले दी जाती है। तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं हम 6 अप्रैल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे वेन्यू, तो ये वेन्यू है ही मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न HS स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। अब यहाँ पर लिखेंगे टाइम, तो टाइम लिख सकते हैं कोई भी, 9 AM to 11 AM। अब इस जगह पर जिसकी तरफ से नोटिस जारी है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, देखिए आशुतोष आचार्य, तो वही नाम लिखना होगा आपको। इसकी तरफ से ही तरफ से नोटिस जारी है, लिखा है यू आर आशुतोष आचार्य, मतलब आप ही आशुतोष आचार्य हैं। तो अभी आपका नाम आशुतोष आचार्य है, आशुतोष आचार्य। ये आशुतोष आचार्य लिखा, उसके बाद इसका डेजिग्नेशन पद लिखेंगे द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, चाहे तो लिख सकते हैं, बस इतना ही छोड़ा जा सकता है, द कल्चरल सेक्रेटरी। अब इसको बॉक्स को नीचे से बंद कर सकते हैं। तो ये हुआ फॉर्मेट आपका नोटिस का। अब देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट बिल्कुल सही है, और आपका जो लिखने का तरीका इतना सुंदर है, हाईलाइट हमने किया है, ये डेट वगैरह को हाईलाइट किया है, इससे और ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग बन गया, और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग बन गया ये, और ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और इसको अंडरलाइन किया जा सकता है हाई पॉइंट्स को, तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। और यहाँ पर चाहें तो आप इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का टॉपिक भी लिखा जा सकता है, टॉपिक फॉर डिबेट टॉपिक भी लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पर, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट सही है, ये बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट की मार्किंग ज़्यादा होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भले ही थोड़ी बहुत हो तो चल जाएगा, 5 मार्क्स का आया तो पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, काट छाट नहीं है, अच्छी राइटिंग है, फॉर्मेट पर लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट गलत है और आपने बिल्कुल ही सही सही लिखा है, ग्रामेटिकल पूरा करेक्शन है, लेकिन फॉर्मेट सही नहीं है, तो आपके मार्क्स की मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। इसलिए फॉर्मेट सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये राइटिंग स्किल ही पैटर्न वाइज राइटिंग स्किल होती हैं, मैसेज, नोटिस, डायरी एंट्री या पोस्ट कार्ड, ईमेल्स, ये सारे पैटर्न वाइज राइटिंग स्किल होती हैं। अगर इनका पैटर्न खराब है, फॉर्मेट खराब है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे के वीडियो में हम मैसेज या पोस्टकार्ड की बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा समय पर हमारी वीडियो मिल जाए करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।